प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा कि क्या होगा अगर इस अर्थ पर प्रेजेंट सभी न्यूक्लियर वेपन्स एवं बॉम्ब्स को एक ही प्लेस पे एक साथ लाके एक्सप्लोड करें तो क्या उसके इफेक्ट होगा, क्या इम्पैक्ट होगा, किस तरह वो नेचर पे अपना इफेक्ट शो करेगा और किस तरह वो एक मेजर ड्रास्टिक क्लाइमेटिक चेंज में पार्ट ले सकता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ गो चेक इट आउट, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और फिलहाल के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। इस वीडियो में हम उसी वीडियो की तरह एक और इंटरेस्टिंग सवाल के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। और ये सवाल अक्सर हमारे दिमाग में होता है कि क्या होगा कि अगर इस अर्थ में प्रेजेंट सभी यूरेनियम को हम एक साथ एक्सट्रैक्ट कर दें एक ही बार में टिल इट्स लास्ट बिट, और फिर उसको जितने ज़्यादा यूरेनियम बॉम्ब बन सकते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब बन सकते हैं, उनके बॉम्ब बना और फिर उन सारे बॉम्ब्स को एक साथ एक्सप्लोड करें तो क्या होगा, उसका क्या इफेक्ट होगा, क्या उसके नेचर के ऊपर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और क्या हमारी अर्थ बचेगी कि नहीं बचेगी। सो लेट्स चेक इट आउट। हमारी करंट यूजर डाटा के अकॉर्डिंग हमारे पास करीब करीब 35 मिलियन टन ऑफ यूरेनियम एंड अदर रेडियो एक्टिव मटेरियल का एस्टीमेट लगाया जा रहा है अर्थ क्रस्ट में। ये इतना यूरेनियम है कि आने वाली कई हज़ारों सिविलाइजेशंस को इनफ पावर सप्लाई कर सकता है। और हम इन सारे यूरेनियम को इतने सारे बॉम्ब बनाने वाले हैं, और करीब ये हमने एस्टीमेट लगाया है कि इन यूरेनियम से हमारे पास करीब 10 बिलियन बॉम्ब बन सकते हैं। और पावर इन टर्म्स ऑफ पावर बात करें तो हर बॉम्ब की उतनी पावर होगी जितनी एक हिरोशिमा नागासाकी में ड्रॉप हुए बॉम्ब की थी। तो हमारे पास इतना बड़ा 10 बिलियन बॉम्ब का क्यूब है और हर किसी की पावर हिरोशिमा नागासाकी में हुए ड्रॉप जितनी है। और इसका एक पावर वाइज एक और आइडिया लगा सकते हैं कि इसका ब्लास्ट के बाद इतना भयंकर इम्पैक्ट हो सकता है जितना इम्पैक्ट हुआ था एक एस्ट्रॉयड क्रैश के कारण, जिसके कारण अर्थ से डायनासोर इवैक्यूएट हो गए थे। बट फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि ये अगर इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लोजन इन सारे बिलियन बॉम्ब्स की बात करें तो वो एस्ट्रॉयड रेडियो एक्टिव भी होना चाहिए था। तो चलिए अब किस बात की देर है, इन सारे बॉम्ब्स को एक साथ लाते हैं, एक बड़ा सा पाइल बनाते हैं और फिर इसको डेटोनेट करते हैं। सो काउंटडाउन बिगिन, 3, 2, 1। देखते ही देखते एक बड़ा सा आग का गोला 2000 किलोमीटर में प्रेजेंट सभी चीज़ों को भाप में तब्दील करता है और वो धीरे धीरे एक 200 किलोमीटर के डायमीटर वाली बॉल बनने लग जाती है। उस बॉल के रास्ते में जो भी चीज़ आएगी वो कुछ ही नैनो सेकेंड्स में एक भाप की परत में तब्दील हो जाएगी, चाहे वो पहाड़ हो, पेड़ हो। और इस जो बॉल जैसे जैसे बढ़ रही है अपने साथ में साइज में, वो साथ ही साथ एक शॉक वेव को भी इजेक्ट कर रही है। वो शॉक वेव इतनी भीषण है कि जो अर्थ का जो क्रस्ट है वो एक पानी में आए लहर की तरह लहरा रहा है। इस अर्थ पे प्रेजेंट सारी बिल्डिंग्स इधर उधर हो रही है, पेड़ टूटने लग रहे हैं, फायर स्टॉर्म्स आने लग रहे हैं। इतनी भीषण एक्सप्लोजन के बाद में हर जगह आग आग लग जाएगी, सारे पेट्रोल पंप फूट जाएंगे। पेट्रोल पंप फूटने के बाद उन पेट्रोल पंप में मोर ओवर और आग लगने लग जाएगी। सब 2000 किलोमीटर में सारी चीज़ें एकदम भाप में तब्दील हो जाएगी, वहाँ पे सिर्फ आग ही आग होगा और कोई लिविंग फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। मोर ओवर अगर आगे हम देखें तो थोड़ा थोड़ा आगे 2000 किलोमीटर से आगे भी लोगों को काफ़ी इफ़ेक्ट होने लगेगा। वहाँ के लोग सन बर्न या फिर रेडियो एक्टिव बर्न के कारण जल मर के मरने लगेंगे। मोर ओवर ये जो एक्सप्लोजन हुआ है इसके कारण जो एक मशरूम क्लाउड बन रहा था, वो मशरूम क्लाउड आसमान में जाके पूरे आसमान को धुएं से ढक देगा और धुएं के साथ साथ उसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल भी है। इसके साथ साथ ये मशरूम क्लाउड अपने साथ में काफ़ी जलते हुए पार्टिकल्स को इजेक्ट करता है, इसके कारण हर जगह आग लगने लगती है और इस आग के कारण पूरे अर्थ के ऊपर फायर स्टॉर्म्स आने लगेंगे। और देखते ही देखते ये आग पूरे अर्थ ग्लोब के चारों तरफ फैल जाएगी और हर जगह आग ही आग होगा। जो बची कुछ लाइफ फॉर्म थी अदर डायमेट्रिकल अपोजिट एंड पे, वो भी कुछ ही सेकेंडों कुछ ही मिनटों में ख़त्म होने लगेगी और जितने भी लिविंग बींग्स और अदर चीज़ें हैं वो सारे बर्न होने लगेगी। उनके कारण क्या होगा कि जैसे जैसे मशरूम क्लाउड ऊपर अपनी चीज़ों को छोड़ रहा है और एक धुएँ का लेयर बना रहा है अर्थ के चारों तरफ, इसके साथ साथ वो सन रेस को अंदर आने से ब्लॉक भी कर रहा था और साथ ही साथ जो अर्थ पे ऑक्सीजन थी वो भी यूज़ हो रही थी, जो भी अर्थ के ऊपर मटेरियल था उसको बर्न होने में। उसके कारण इसके अंदर से हाइड्रोकार्बन्स रिलीज होने लगे। इस हाइड्रोकार्बन्स के कारण अर्थ के ऊपर एक काफ़ी
भयानक गैसेस की लेयर बन गई और ओजोन को डिप्लीट करने लग जाएगी वो, और इसके बाद सन रेज अर्थ के ऊपर नहीं आ पाएगी। इसके कारण क्या होगा कि जो अर्थ का टेम्परेचर है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगा, पर इस इंस्टेंट को होने में काफ़ी टाइम लगेगा, अराउंड अ वीक और टू सो। बट उस करंट टाइम पे ये होगा कि उस जो एक्सप्लोजन हुआ है उसके कारण काफ़ी सारे रॉक पार्टिकल्स एवं अदर जो पार्टिकल्स थे वो हवा में इजेक्ट होने लगेंगे, काफ़ी को बहुत हाई वेलोसिटी मिल जाएगी, वो हो सकता है एस्केप वेलोसिटी के बराबर हो और वो स्पेस में चले जाएं, और कुछ जिनकी वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी जितनी नहीं है बट हाई है वो एक एटमॉस्फेयर पे सर्टेन लेवल तक पहुंच के वापस आएंगे और क्या करेंगे कि इस अर्थ का टेम्परेचर बढ़ाएंगे और उसके कारण भी हर जगह आग लगने लगेगी और फायर स्टॉर्म्स आने लगेंगे। ये जो इतन है सीन, ये स्पेस स्टेशन में बैठे हुए लोग इस सीन को एंजॉय कर रहे होंगे, बोल रहे होंगे कि हमको कोई हार्म नहीं है, बट देखते ही देखते जो पार्टिकल्स हवा में इजेक्ट हुए हैं जलते हुए वो उनको जाके हिट कर देंगे और उनका स्पेस स्टेशन भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। इनफैक्ट आप सोच सकते हैं कि कितना भयानक होगा कि जो लोग अर्थ पे बैठे हैं उनको तो ये हार्म कर ही रहा है, ख़त्म कर रहा है, बट जो लोग स्पेस स्टेशन में बैठे हैं वो भी नहीं बच पा रहे हैं इसके इफ़ेक्ट से। मोर ओवर जैसे ही यहाँ पे थोड़ा सा एक दो हफ्ते बाद टेम्परेचर डाउन होने लगेगा, ऑक्सीजन ख़त्म होने के बाद में यहाँ पे चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ हो जाएगी, और उसके बाद में इस बर्फ़ में भी काफ़ी रेडियो एक्टिव मटेरियल है उसकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होगी, और फिर यही हमारा टर्म आता है न्यूक्लियर विंटर का राइज हो जाएगा और कई सालों तक न्यूक्लियर विंटर ही रहेगा। बट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और ये आता है कि सामने जो लोग डीप बंकर करीब एक आध किलोमीटर नीचे जो डीप बंकर्स में थे आर्मी मैंस या फिर जो सबमरीन्स में थे समुद्र के अंदर, वो फिर बचे रह सकते हैं क्योंकि उन तक इतनी शॉक वेव और इतनी ज़्यादा रेडियो एक्टिव मटेरियल नहीं पहुंचेगा, बट वो भी ज़्यादा समय तक बचे हुए नहीं रह सकते हैं। जैसे ही उनके फूड स्टॉक ख़त्म होगा वो नया फूड खोजने बाहर आएंगे और देखेंगे यहाँ पे बैरन लैंड है कम्प्लीटली फुल ऑफ रेडियो एक्टिव स्नो एंड वेस्ट। जैसे ही वो बाहर आएंगे वो भी कुछ ही मिनटों में मर जाएंगे। इसके बाद कोई लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट कभी नहीं करेगी टिल मैनी मिलियंस ईयर। आफ्टर मैनी मिलियन ईयर वहाँ पे फिर एक नई प्रकार की लाइफ फॉर्म डेवलप होगी, फर्दर वो हमसे ह्यूमन से ज़्यादा अच्छी हो सकती है, उनके पास काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंस हो सकती है, और ये हो सकता है कि हमारे ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण ना होने के कारण जो ये एटमॉस्फेयर है इसके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन काफ़ी बढ़ जाएगी, या फिर कोई और गैस जो उस समय के लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं अपने रेस्पिरेशन और लिविंग के लिए उसकी कंसंट्रेशन काफ़ी अच्छी बढ़ जाएगी, और ये जो नेचर है ये काफ़ी अच्छी तरह से फल फूल रहा होगा जब इन कंपेयर ऑफ प्रेजेंट वर्ल्ड जब हम उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और ये हो सकता है कि वो काफ़ी अच्छे हों, काफ़ी बड़े साइज में जानवर हों इन कंपेयर ऑफ ह्यूमन। सो हमें जहाँ तक हो सकता है अपने नेचर को डिस्ट्रॉय नहीं करना है, क्योंकि हम जिस तरह नेचर को डिस्ट्रॉय करेंगे नेचर हमें उसी वे में वापस पे बैक करेगा। सो प्लीज़ सेव द नेचर। बस आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया, और कमेंट्स में ये बताइए कि आप आगे किस वीडियो के ऊपर टॉपिक चाहते हैं, किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं।